तुझे म्हटलं होतं ना बायनरी टू प्लस ए इव्हन फंक्शन ट्वाइस ऑफ झिरो टू ए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इज आपली शेवटची प्रॉपर्टी अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो आंसर झिरो लिखे अगर ये इवन हुआ तो ये माइनस ए टू प्लस ए की जगह पे झिरो टू ए लिखना और ट्वाइस करेंगे तो टू इंटू थ्री बाय थ्री टू की डिवीजन के लिए थ्री बाय सिक्सटीन होगा सो आई गेट दिस इज वन माइनस दुसरी वैल्यू टाकता मी काय करतो तर फोर इंटू झिरो माइनस झिरो तर क्यूब अपॉन थ्री तो मैंने ऐसा देखा है कि विदाउट फेल मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे सक्सेसफुली ये साइंस में गड़बड़ करते हैं एकदम सक्सेसफुल हम तो उसको फेल्यूर तब बोल सकते हैं कि जब डेलिब्रेशन होती है मिस्टेक नहीं करना है और गलती से हो गया पण तसं नाही शंभर पेपर जे केले तर त्यातले साठ पेपर मध्ये मिनिमम ते मिस्टेक असते बिलकुल सक्सेस रेट हो गया इसलिए अगर ये माइनस आप प्लस आप लिखो तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाता है पुनः माइनस आप चेक क्यूब मध्ये पुनः माइनस प्लस मध्ये बोल रहे हो तो इसलिए खुद का ऐसा ख्याल रखो कि जहां तक हो सके वो पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर मिनिमाइज हो जाए हाउ इज दैट पॉसिबल हा फॉर्म्युला वापरला होता मायनस हाफ टू प्लस असतील झिरो टू हाफ केला इथे झिरो करंट आहे ही गरज उरत नाही अगर कोई कॉन्स्टंट हो तो झिरो लागला पडेगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स के टर्म्स है ये झिरो टाकला तर एक्स के लिए झिरो इथे झिरो बात करत हो गई ये क्या करता हूँ दैट इज ओ बी सेव आर सेल्फ दैट इज ओ बी हेल्प आर ग्रुप 3 बाय 16 इनटू एडवांटेज टू माइनस I 1 by 8 upon 3, number 24. 48 minus 1, 47 by 24. 1 minus 3 by 60 into 47 by 24 is equal to 8. 16 into 8, 128. 1 minus 47 upon 128.
आता मी पॉइंट जर टॉस केला तर त्याच्यामध्ये काय काय शक्य होईल, एक तर ग्रीड पॉइंट केले बरोबर की आपण वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेशली मॅन्युफॅक्चर्ड पॉइंट. एक तर तो असा जो बरोबर होतो शून्य मध्ये बरोबर आहे, दुसरं म्हणजे दोन्ही जेणी घेणार तर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी नॉर्मली मेड पॉइंट अंडर द कंडिशन ऑफ गुड ग्रॅव्हिटी. स्पेस मध्ये ते उचललं तर खाली येणार नाही ना. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. We are talking about a completely practical, normal, real-life situation where you toss a coin, it will fall down and it will show one face. And on that way, it will either be a head or a tail, that is right. Is that fine? So, both of them, that is called as binomial. Which is, the binomial part is around as Bernoulli's trial. The trial of an experiment in which there are only two possible options is called as a trial. Bernoulli's trial is that trial which can have only two possible outcomes. Two possible outcomes. Two possible outcomes. म्हणजे जसं नाही ना आता याचा विचार काय सांगता येईल की तोही पॉसिबिलिटी नाही तर तो बोल म्हणजे आपल्याला नसतो मात्र ओनली टू पॉसिबिलिटी Bernoulli trial. अब वो हम लोग सचमुच किसी ने हमको एक्सपेरिमेंट के तौर पे इफेक्ट करते हैं तो वो एक्चुअली ट्रायल होके जाएगा. ट्रायल इज एक्चुअली यू ट्राई टू डू इट व्हाट विल कम आउट ऑफ इट. आता इथे व्हॉट आर अदर पॉसिबल ट्रायल्स इन विच यू कुड से इट इज अ Bernoulli trial कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज गब्बर सिंह ने किया था या तो करी जगी नहीं 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 मैंने बोल के स्कोर इवन समझता ना, वो बोल साहब आटे बोल के स्कोर इवन निकाला. अगर नहीं हुआ तो मैं फेल हो गया. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज सक्सेस फेल राइट. मैं इस पे से कार्ड निकालता तो मैं बोलूंगा कि मैं स्पेंड का कोई कार्ड निकालता हूं. स्पेंड का आया तो सक्सेसफुल हूं, स्पेंड का ना आया तो फेल है. ये जरूरी नहीं कि सक्सेस और फेल का पॉसिबिलिटी हाफ हाफ हो. जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन मैंने व्हाट्सएप करा and tossing of coin mane half possibility head ji and half possibility tail ji. tabhi na lewa ka head jata the head aaya then I was right. head nahi aaya tail aaya then I was wrong. ye kab hoga? ye dono ki possibility half half hai. probability of success and probability of failure was half and half. ye zaruri nahi hai main I'll shuffle the pack of cards and put out the cards in this spread. Now the possibility is ki 13 out of 54 spread. So 13 by 52 is the chances of success. 1 by 4. 3 by 4 are the chances of failure. They don't have to be equal in the chances of probabilities. They can be unequal. Probability of success and the probability of failure may not be equal. Lekin zaruri ye hai ki success or failure ke beech mein kuch common na ho. Aur success or failure ke beech mein kuch baaki na ho. Agar aisa ho to use kehte hain Bernoulli trial. Everybody reading that? Sure. For success, simply put it, what do you call the success is a different thing. हाँ, मतलब किसी आदमी को ये catch पकड़ना अगर कोई bother है तो उसको विकेट निकालना success है. लेकिन हमने देखा है कि साइड में जिस टीम स्टीसन के लिए 14 रन देना success था ना. You all have a different definition of success after all. So ये जो है इसमें normally हम लोग देखते हैं कि एक खास स्पीड से जीतना मतलब स्पीड इन टू कॉस्ट में देखना जो 170 रन का है आप सोचोगे 20 ओवर में 25 ओवर में जीत गए दैट इज नॉट कॉल्ड सक्सेस बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर सेमी फाइनल. वेस्ट इंडीज आर ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड. दे आर ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड. तो वो मैच प्रीवियस था तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं. ऑस्ट्रेलिया को 48 ओवर टू चेज दैट. क्यों? क्योंकि फिर उनका रिजल्ट ऐसा हो गया कि सामने वाली लीग टीम उनके साथ आई सेमी फाइनल. वरना उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता था पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ता था. उन्होंने पसंद किया कि पाकिस्तान के साथ हम लोग सेम फाइनल गए इससे तो अच्छा न्यूजीलैंड के साथ. क्या बोल रही 48 ओवर है चीज कर ला रन रेट एडजस्ट कर ला रन रेट से सीधे यहां पे कुछ रेट से सीधे बोल रहा है.
तो वो टाइम पे उनका अगर कोई बैट्समैन जाके 30 बॉल पे 50 रन मार के आ जाए तो उस टीम को अगर कैप्टन का वो उसको अंदर बहुत दूर तक जा पड़ेगा तो गलत है ग्रामीण कैसे निकल तो मैं सारे और जाएगा तो व्हाट ही डिड इन दैट सिचुएशन व्हाट अदरवाइज वुड हैव बीन डन विद द फेलियर ए बैट्समैन स्कोरिंग 50 आउट ऑफ 60 बॉल ऐसे 15 बॉल इन वन डे मैच यू आर रिडिकुलस यू डोंट स्कोर दैट दैट्स रूइनिंग टेस्ट मैच दिस डे तो वन डे मैच है It is ridiculous. Lekin that was what was needed. That was what was required to be a success on that hour. Baki media, baki dunia kuch bhi bole. Lekin Australian media aur Australian wo jo decision making ka gap hota hai, unhone ye decide kiya tha ki yahi aaj ki match mein hamara success hai. Ki hum log itna slow khele ki hamara run rate itna hi rahe taki hame easy opposition mile same match mein. तो ये जो है द सक्सेस व्हाट यू कॉल अ सक्सेस एंड व्हाट यू कॉल अ फेलियर इज गोइंग चेंजिंग एंड देयर पॉसिबिलिटी विल गो ऑन चेंजिंग इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सक्सेस और फेलियर में कुछ कॉमन ना हो अपोलो 13 वाज ए फिल्म इन विच द फिल्म एंड्स विद द डायलॉग सेइंग कि आवर मिशन वाज कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल फेलियर बिकॉज वी वेंट देयर टू लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून एंड ब्रिंग अ कपल ऑफ 100 किलोस ऑफ मून रॉक्स On which NASA was going to build up an experimentation, and it never happened because we could never land on the moon. So that was the failure part. But the mission was successful that we finally reached back to the surface of the Earth alive, which once was considered to be impossible. So at least that part. Bernoulli का वो पूछ रहे थे वो जिंदा है उसके लिए कुछ शूटिंग के लिए उसे ट्रायल नहीं किया था कि मेरे ट्रायल में सक्सेस और फेलियर के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता You can't call this mission as a successful failure. You either call this as a failure or you call this as a success. Then you could say कि the mission could be divided into two parts. One part was कि पहले उनको लगा था कि ये लोग मून तक पहुंचेंगे, वो part पूरा fail हो गया. लेकिन जब उनको पता लगा मून तक पहुंचने से रोज जिंदा आना मुश्किल है, तो वो second part चालू हो गया और second part successful हुआ, उनको जिंदा ला सके. Then that is right. लेकिन mission entirely you can't term that mission as a failure. Success and failure cannot be mutually exclusive. So the probability of failure probability is actually completely different. There is nothing common. इधर ने दूसरा उसका कह रहा था कि success और probability, success और failure दोनों को मिला तो सिंपल स्पेस में सैकड़ों स्पेस में कुछ भी बाकी नहीं रहा। I don't understand this. मुझे for example आपको अगर बोला गया है कि 60 से कम आप अच्छा सुपर कैसे कर रहा होगा ना? ऐसी भी कि 15 स्पीस से कम ही मिले तो गरीब खास कर इंटरव्यू में बोले तो गरीब इसका मतलब क्या होता है कोई भी कंसीडर कुछ भी फेलियर लेकिन जिसको हम लोग सक्सेस कह रहे हैं और जिसको हम फेलियर कह रहे हैं उनको साथ में जोड़ा जाए तो सैंपल स्टेज कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए म्हणजे असं नको कि तुम्हाला समजा 40 पेक्षा कमी मार्क मिळाले तर तुमच्या आई वडिलांना पेरेंट्स मीटिंगला बोलवायचं बिकॉज वी कन्सिडर दैट टू बी फेलियर 40 पेक्षा कमी म्हणजे फेलियर आहे बिल्कुल वेगळं आपण म्हणजे कमी बिल्कुल नाही जाणार और 50 से ज्यादा अगर मार्क्स मिळे तो आप समझ सकते हो कि आप सक्सेसफुल नहीं हो मी पूर्ण सर आम्हाला 40 या 50 मध्ये मी आम्ही काय करू ऐसा कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए तो सक्सेस में ना या फेलियर में या तो वो सक्सेस में आएगा अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो फेलियर में बोले फेलियर में एवरीबॉडी गेटिंग तो वो एब्सोल्युटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने चाहिए उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ना देयर व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इफ यू रिमेंबर दैट तो हमें लास्ट ईयर था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स म्हणजे काय तर इफ आय से इट विल रेन टुडे और हम लोग कल मिले कॉफी में बोले सर आप क्या बोल रहे थे आई हैव ऑलवेज प्लान तो या तो वो सक्सेस है या फिर वो फेलियर दूसरा क्या हो जाता है इट विल रेन टुडे नहीं फॉलोइंग यू सी सर थैंक यू फॉर बड़ी बात लेकिन यू वगैरह नहीं है कर तो कुछ तो बोले हेवी थी कुछ मालूम कब हेवी थी क्या मुझे आता तेज़ पढ़ लेता है हेवी मंडा के
अब ये ग्रे एरिया हो गया ना, आप नहीं बता सकते ये ब्लैक है या व्हाइट है।